आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव का प्रिय मास श्रावण चल रहा है। श्रावण मास में सिवनी के ऐतिहासिक मठ मंदिर में पूरे श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ पर कितने भक्ति भाव के साथ भक्तगण देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रतीत हो रहे होंगे। आखिरी सोमवार, श्रावण का आखिरी सोमवार 8 अगस्त को संपन्न हुआ और 8 अगस्त के पूर्व 7 और 8 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे सुंदर तरीके से देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को सजाया जाता है। यहाँ देखिए किस तरह यहाँ दूध दही शर्करा शहद जो भी देवाधिदेव को प्रिय चीजें हैं उनसे उनका अभिषेक यहाँ किया जा रहा है। पूरे श्रद्धा भाव के साथ सभी यहाँ श्रद्धा अभिषेक करते हुए आपको प्रतीत हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। सभी के द्वारा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का अभिषेक कराया जा रहा है। भगवान शिव का अभिषेक के उपरांत यहाँ उन्हें सजाया जा रहा है बेलपत्र, और जो भी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को प्रिय हैं, जो भी चीज़ें उन्हें प्रिय हैं उन चीज़ों से उनका श्रृंगार, देखिए कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर हो रहा है। मठ मंदिर बहुत ही जागृत स्थल, सिद्ध स्थल माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग बहुत जागृत माना जाता है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा काशी विश्वनाथ के शिवलिंग और मठ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना एक ही दिन एक साथ की गई थी और दोनों का आकार भी एक सा ही था, इस तरीके की मान्यता है। मठ मंदिर सिवनी में एक ऐसा देवालय है जिसके साथ सरोवर भी है, मठ मंदिर सरोवर। मठ मंदिर के अगर आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो वहाँ मठ मंदिर का सरोवर भी है, और यहाँ देख सकते हैं भक्ति भाव के साथ देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का अभिषेक, शिव भगवान शिव को पूजन, उनका पूजन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ सभी कुछ संपन्न होता है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवतियाँ सब यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। देवाधिदेव महादेव यहाँ दिख रहे हैं आपको, उनका शिवलिंग, और शिवलिंग में किस तरह से पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर उनका अभिषेक किया जा रहा है। एक बात यहाँ आपको बताना होगा कि प्रतिबंधित पॉलीथीन भी यहाँ दिख रही है, अर्थात नगर पालिका परिषद के द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है, पर उसका पालन सख्ती के साथ नहीं कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर देवाधिदेव महादेव के भक्त किस तरह से उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कपूर और कपूर के साथ उनकी आरती की जा रही है। मठ मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है, बहुत ही जागृत शिवलिंग यहाँ के माने जाते हैं, और मठ मंदिर में पीछे एक जो भगवान शिव की प्रतिकृति बनाई गई है वो भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए सभी के हाथ में कपूर, जलता हुआ कपूर दिख रहा होगा, सभी उनकी आरती कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय मास माना जाता है, और समाना जाता है कि श्रावण मास में अगर भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से की जाए तो जो भी आप मांगते हैं वो आपको प्राप्त होता है। ये भगवान शिव को अर्घ दिया जा रहा है और रात का समय यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद। ये देखिए एक नया चलन चल पड़ा है, देवाधिदेव महादेव हों या कोई भी दूसरे देवता,
मोबाइल से उनकी फोटो या वीडियो बनाना लोगों का प्यारा शगल बन गया है और सोशल मीडिया पर बाद में ये ही वीडियोस बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल होते हैं। जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, देवालय नहीं पहुंच पाते हैं, उनको घर बैठे ही दर्शन हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात इसे मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए किस तरह यहाँ पर सुंदर श्रृंगार किया गया है देवादिदेव महादेव का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन आदि अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।